आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम आपकी किसी फाइल को डिलीट करना चाहें और वो हमारे साथ डिलीट नहीं हो रहा, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मैं कंप्यूटर में जाते हैं और फिर किसी फोल्डर को हम खोल देते हैं और इसमें एनी फोल्डर को हम डिलीट करना चाहते हैं। तो अगर हम किसी फोल्डर को हम डिलीट करना चाहे और वो हमारे साथ डिलीट नहीं हो रहा है, तो उसको कैसे डिलीट करें देखते हैं। यहाँ हम एक फोल्डर पे क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और देखते हैं कि फोल्डर हमारे साथ डिलीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। देख यहाँ हमारे साथ डिलीट का ऑप्शन है, हम डिलीट पर क्लिक करते हैं और यहाँ ये हमसे परमिशन मांगेगा और ये फोल्डर हमारा डिलीट नहीं होगा। तो इस फोल्डर को हम कैसे डिलीट करेंगे, ये हमसे परमिशन मांग रहा है, तो हम इसको कैसे ट्राई अगेन, यू नीड परमिशन टू परफॉर्म दिस एक्शन। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, हम इस ट्राई अगेन पर क्लिक करेंगे तो ये फिर भी डिलीट नहीं होगा। जो इस फोल्डर को हम कैसे डिलीट करें, इस पर हम राइट राइट क्लिक कर देंगे और राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज पर जाएंगे। प्रॉपर्टीज पर जाने के बाद ये हम जो विंडो हमारे साथ ओपन होगा, हम उस पर सिक्योरिटी में क्लिक कर देंगे। सिक्योरिटी में यहाँ जो एडवांस का नीचे एडवांस का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ जो ऊपर डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं उस पर ओनर पर क्लिक करें। ओनर के बाद ये नीचे जो एडिट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आप अपने वो जो ओनर हैं उसको चेंज करें, उसको तब्दील करें। तो यहाँ मैं साजिद मरोत पर क्लिक कर रहा हूँ। हाँ, और साथ ही साथ ये जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं रिप्लेस ओनर ऑन सब्सक्राइबर आना, इस पर क्लिक करें। ये करने के बाद अप्लाई करें तो ये आपको एक नई विंडो देगा। इस पर क्लिक करें, इसके बाद फिर ही रिप्लेस पर जो है ना क्लिक करें और अप्लाई करें, तो ये हो गया। ओके करें, फिर ओके करें और फिर यहाँ जाए पहले ही विंडो में वो जो सिक्योरिटी का है और इसमें जब एडिट है उस पर क्लिक करें और यूज़र पर क्लिक करें। यूज़र करने के बाद आप यहाँ नीचे जो है परमिशन फॉर यूज़र जो है उस पर फुल कंट्रोल पर क्लिक करें। कंट्रोल कंट्रोल ये जो आपके साथ का ये टिक मार्क्स इनको लगे गए हैं, इसके साथ अप्लाई पर क्लिक करें। अप्लाई करने के बाद आप इसको ओके करें, ये इसको ओके करें और अब आके इस फोल्डर पर राइट क्लिक करें तो यहाँ जो डिलीट का ऑप्शन है उस पर डिलीट करें और ये फाइल हमारे साथ डिलीट हो रहा है। अब तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी और इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। हाँ, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे।